से जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार जब चुनाव आ रहे हैं तो चर्चा ये हो रही है कि दूसरी सीट से भी वो लड़ सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं दक्षिण से आकर लड़े, क्या इसे राहुल गांधी कांग्रेस के डर से जोड़कर देखना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, इतिहास गवाह है कि अक्खड़पन और घमंड की राजनीति को भारत के लोगों ने हमेशा नकारा है। राहुल गांधी जी की पार्टी की क्या सोच है उनके प्रवक्ता वो साफ दिखा रहे हैं टेलीविजन पे। अगर राहुल गांधी जी के पास गांधी परिवार का टैग है तो उनको ये भी समझना चाहिए कि स्मृति ईरानी के पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो कि वो 5 साल में बहुत बार अमेठी जाती रही हैं, उन्होंने लोकल जो वहाँ के लोग हैं इनको अच्छा लगे या ना लगे, पर सच्चाई यही है कि उन्होंने लोकल लोगों के साथ अच्छा वहाँ पर कनेक्शन एक बैठाया है। दूसरी बात ये जो ये भूल रहे हैं, उनके साथ मोदी का एक ब्रांड भी है, और मोदी का जो ब्रांड है वो सिर्फ एक परिवार की वजह से नहीं है, उनके ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से। तभी एक समय में इनका वीजा बैन करवाते थे ये लोग, आज वो देश के प्रधानमंत्री है। योगी आदित्यनाथ 10 साल पहले संसद में रोए थे कि उनको झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है, आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो हवा बदलने में देर नहीं लगती, और जो राजनीति है वो प्रेम और सद्भाव से ही की जाती है। इस प्रकार की अगर आप भाषा का इस्तेमाल टीवी पे कर सकते हैं, राहुल गांधी देखिए, उनसे एक गरीब व्यक्ति ने कुछ सवाल पूछा, अमेठी की ही बात है, ये तो कैमरा पे है, इसको भी अब राजपूत जी झूठ बोल दे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। 1 या 1.5 साल पुरानी बात है, उनसे किसी गरीब व्यक्ति ने अमेठी में सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था जाइए जाके बीजेपी वालों से पूछिए। क्या कोई भी बड़ा जो नेता है वो किसी गरीब व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार से बात करता है? आप अपनी बर्बादी का कारण खुद ही है। मैं इसी पे इसको छोड़ना चाहूंगी। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सोनम महाजन ने भी परिवार की बात, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपने भैया जी ये तय कर रखा है कि आपको हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा करना है, जबकि समस्या का इसका हिंदू बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। सुनिए, एक मिनट आप मेरी बात जरा एक मिनट धैर्य से सुन भी लेंगे। देखिए, इसका कारण सबसे बड़ा है, इस समस्या में कहीं भी हिंदू इसका उत्तरदायी नहीं है। समस्या दो तरह से है हम लोगों के सामने। एक तो जैसे अभी डेवलपमेंट की बात हो रही है, हिंदुस्तान में पूरा आधा जीवन मेरा विदेशों में कटा, पूरे यूरोप में रहा हूं, वहां मैंने लोगों को इस तरह से पागल होते नहीं देखा। यहाँ के लोग कैंसर खा रहे हैं। जिन फर्टिलाइजरों को आप आज खेतों में डाल रहे हैं, इन्हें यूरोप कितने साल पहले इन्हें अपने खेतों में डालना बंद कर चुका है। आपके पास लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, आप लोगों को साफ पानी नहीं दे सकते। पता नहीं आज हिंदुस्तान डेवलपमेंट मान किसे रहा है। आज जब पूरी दुनिया जनसंख्या नियंत्रण करने के इतना करीब है, भारत एक दुनिया का कैंसर बनने वाला है, ये पूरी दुनिया को भारत की ये बढ़ती हुई नाजायज आबादी कहूंगा मैं इसे, और हमारी समस्या देखिए, सुनिए, इसको धर्म के चश्मे से क्यों देखते हैं? इसका कारण है, एक तो बड़ी समस्या की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे भी बड़ी समस्या जनसंख्या उनकी बढ़ रही है जो लोग केवल भूखे नंगे हैं, और जिनका धर्म उन्हें कहता है कि तुम दूसरों को लूट लो, दूसरों को मार दो, दूसरों को खा जाओ, और जिनका इतिहास इसका गवाह है। ये दो ऐसे बड़े खतरे हैं भारत में जिन्हें इग्नोर करना इस देश के लिए आत्मघाती है। आप आज मानिए या मत मानिए, वक्त मेरी बात को बताएगा दुनिया को। मुफ्ती मंजूर जियाई हाजी साहब, मुफ्ती मंजूर जियाई हाजी साहब, जो बात यहां पर नरसिंहानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनसंख्या को धर्म के चश्मे से देखना बेहद जरूरी है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, ये कैसे इत्तेफाक रखेंगे, सुन बढ़ा रहे हैं। देखिए अनुराग जी, देखिए जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, एक समुदाय के साथ इस चीज़ को जोड़ने की बात करते हैं, उन्हें देख लेना चाहिए कि उनके समुदाय के अंदर में कितने लोगों के कितने बच्चे हैं। हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक कल्चरल मुल्क है, एक खूबसूरत मुल्क है। ये पहले आप इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान की बात करना शुरू कर देते हैं। आबादी की बात हो रही है, उस आबादी की बात करें आप। मुसलमानों की कितनी तादाद बढ़ रही है, आपकी कितनी तादाद बढ़ रही है, उसको देखिए। आपके घर में लालू यादव बताइए ना, कितनी आंकड़ों पे आते हैं ना हम लोग, आप किसी आंकड़ों पे आते हैं हम लोग, कितने बच्चे, आप इसकी बात ना करें। तो आइए आंकड़ों पे आते हैं हम लोग। क्या जो आपके मजहब के तमाम धर्म गुरु हैं वो इस तरीके की कोई अपील करते हैं? क्या वो इस तरीके का कोई संदेश देते हैं कि बच्चे कम से कम पैदा किए जाएं तो ज्यादा बेहतर? ये जिज्ञासा है मेरी आपसे अनुराग। इस मुल्क मैं मुसलमानों के मुल्क की तरक्की बच्चे कम होने से नहीं होगी, बल्कि डेवलपमेंट से होगी, और मुल्क में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बच्चे रोक देना मुल्क की डेवलपमेंट की जमानत होगी? साहब, आप जो कह रहे हैं वो बात आंशिक तौर पर सही है, लेकिन अगर इस बात हमारे की जमानत आप देंगे कि बच्चे दुनिया बच्चे, केवल 2.5% जमीन है, केवल 4% पानी है, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? जरा समझिए कि संसाधन सीमित है इस देश में। आप 2.5% को समझते हैं क्या है जी?
इस मुल्क में आबादी के एतबार से अगर 2.5% की आप बात करेंगे तो 2.5% होना जमीन की मकदार और आबादी की मकदार को आप मैच नहीं कर सकते हैं। 17% दुनिया की आबादी है हमारे देश में, जमीन का दुनिया की 17% आबादी और दुनिया की 2.5% जमीन। डेवलप कर दें जी आई हाजी साहब, अंतर को समझिए जरा, डेवलप कर दें अनुराग, इसी आबादी के एतबार से अनुराग आप इस बात को तवज्जो रखें कि अगर इसी लैंड को डेवलप कर दिया जाए, यहाँ का हर व्यक्ति मजबूत हो जाए, यहाँ का हर व्यक्ति इस बात का सक्षम हो जाए कि अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, तो आबादी कोई माना ही नहीं रखती है, आबादी बिल्कुल माना आबादी नहीं रखती। तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं देश की बढ़ती आबादी। सर जब मैं राज्यों की भूमिका को समझने की कोशिश कर रहा था, दरअसल में मेरे उसके पीछे का जो मकसद है वो TFR का आंकड़ा है। TFR का आंकड़ा बताता है कि एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। भारत में जो प्रति महिला TFR का आंकड़ा है वो लगभग 2.3 है, ये पूरे देश का औसतन आंकड़ा है। लेकिन जब हम गोवा को देखते हैं, दिल्ली को देखते हैं, केरल को देखते हैं, तमिलनाडु को देखते हैं तो वो 2% से कम है। वहीं दूसरी तरफ जाकर हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो 3.1 है, बिहार को देखते हैं तो 3.3 है। इसका सीधा मतलब आर्थिक लिहाज से विकास से जुड़ा हुआ है। लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती जी, देखिए मैंने राज्यवार आंकड़े आपके सामने रखे हैं और ये सरकारी आंकड़े हैं। उन राज्यों में जहां पर TFR का औसत कम है, क्या वहां पर दूसरे मजहब के लोग नहीं रहते हैं, जहां पर बच्चे कम पैदा हो? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके जो ये आंकड़े हैं और जो ये असलियत है, जब मैं डासने के अपने कस्बे में जाता हूं तो मेरे सारे आंकड़े वो धुल जाते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा मैं आपको गिनवाना चाहता हूं, 1992 में हमारे यहां डासने में 4200 वोट जो है मुसलमानों की थी नगर पंचायत के चुनाव में, और 3500 वोट हिंदुओं की थी। आज हिंदुओं की वोट 6250 है और मुसलमानों की वोट वहां लगभग 40,000 हो गई है। और ये केवल एक कस्बे का नहीं, डासना तो पूरे देश की तस्वीर नहीं हो सकती ना। मैं तो आपके सामने पूरे देश के आंकड़े रख रहा हूं, पूरे क्षेत्र की। आप सहारनपुर का ले लीजिए, मुजफ्फरनगर का ले लीजिए, मेरठ का ले लीजिए, मोदी नगर का ले लीजिए, मुरादाबाद का ले लीजिए, हमारे क्षेत्र में जो बवाल हुआ है, मैं सारी दुनिया के आंकड़े नहीं गिनवा रहा, ठीक है, मैं तो अपने क्षेत्र के आंकड़े आपको गिनवा दे रहा हूं। हाजी साहब, जनता जनार्दन के बीच में किस तरीके के सवाल हैं आबादी जैसे जरूरी मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर, उनको एक बार लेते। आश्चर्य है कि सत्ता पक्ष विपक्ष, इवन हमारे समाज के जो विचारक हैं, सही बात करने की हिम्मत ही नहीं। क्या है सही बात आपके? सही बात यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जहां से हो रही है उसके विषय में तो उनका कहां से हो रही है, अभी हमारे स्वामी जी बता चुके हैं कहां से हो रही है। आप बताइए ना सही बात, आप भी बताइए। एक्चुअली मुस्लिम वर्ग को यह समझाने की कोशिश ही नहीं की जा रही। मेरा प्रश्न भाजपा के प्रवक्ता से है, इस देश में विकास की बातें हो रही हैं, क्या किसी देश का विकास संभव है जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण ना हो? चाइना का विकास भी तब हुआ जब उन्होंने 1979 में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया। तो हमारे देश में तो जनसंख्या नियंत्रण करने की जगह सरकार 6,000 रुपये दे रही है। भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून इसी तरह से लागू करना चाहिए जिस तरह से ना GST को लागू किया। मेरा सवाल मौलवी जी से है, मौलवी जी जैसे कह रहे हैं ना, मैं अभी चुनाव हुआ था तो BJP के विरोध में उन्होंने कह दिया, फतवा जारी कर दिया था, वैसी एक फतवा जारी अगर वे अपने समाज में कर दें कि 2 बच्चों से ज़्यादा ना हो तो इस पर जनसंख्या में बहुत गिरावट आएगी। चलिए मौलवी साहब, इसी सवाल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जवाब आप ही से लूँगा, क्या वाकई इस तरीके का एक फतवा जारी नहीं हो सकता है कि देखिए साहब 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे ना पैदा कीजिए? देखिए मुल्क की तरक्की, मैंने आपसे पहले भी कहा और स्वामी जी भी बात कर रहे हैं, मैंने उनसे भी कहा और आपके व्यूअर को बताना चाहूँगा कि देखें विकास को अगर पैदा कर देंगे आप, मोदी जी से कहिए और योगी जी से कहिए कि विकास को ज़्यादा पैदा कर दें, अगर उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो जो मामलात हमारे दरमियान में आ रहे हैं वो मामलात नहीं होंगे। मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं इसका मतलब आबादी बढ़ती रहे कोई दिक्कत नहीं है, हम 1.5 अरब हो जाएं 10 साल बाद, हम 2 अरब हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी खत्म हो जाए, जमीन कम पड़ जाए, आबादी पर कंट्रोल उस सूरत में हो सकता है जबकि डेवलप होगा, विकास होगा मुल्क में, जब लोगों के पास काम धंधे होंगे, हालात अच्छे होंगे, हर एक सुखी से साथ रह सकेगा। जब तक विकास नहीं होता है तब तक आबादी को बढ़ने दिया जाए, कम होना चाहिए, लेकिन इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? विकास नहीं होगा तब तक आबादी को बढ़ने दिया जाए। देखिए ये अपील आप और हम सभी मिलकर के ये अपील हम और आप सभी मिलकर के करते आए हैं कि यकीनन इस पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? तो सवाल था, हमारी सवाल ये था कि क्या एक घर गुरु के तौर पर आप जैसे लोग अपील नहीं कर सकते हैं कि आबादी पर नियंत्रण होना चाहिए? ईमानदार से जवाब दीजिए। तवज्जो नहीं दी जा रही है उनको, उनको उनको उनके कामों में अनुराग, उनके उनके कामों में इतना मसरूफ क्यों नहीं कर दिया जा रहा है कि इस पर तवज्जो उनकी ना हो? उनके मुफ्ती साहब तो वो
ठीक है, मुसलमानों को टारगेट बना के ये कहा जाए कि मुसलमान अपने बच्चे पैदा कम करें और महाराज ये कह दें कि वहां पर 10-10 बच्चे पैदा करें, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। लेकिन मुफ्ती साहब देखिए, मैं आपसे ये बात कर क्यों रहा हूँ, 2011 के आंकड़े आते हैं जनगणना के और वो बताते हैं कि मुसलमानों में अभी भी जो वृद्धि दर है जनगणना की वो 24% के आसपास है, हिंदुओं में अभी वो 17% के आसपास है। सुधार की जरूरत धर्म के तौर पर अगर देखें तो आपको भी लगना चाहिए कि है अभी। फिर आप धर्म की बात ना करें, आप एज ए हिंदुस्तानी की बात करें ना, हर हिंदुस्तान के हर उस फर्द को चाहिए कि आप यहाँ पर धर्म जनसंख्या कम करने के बाद ही अपना मुल्क तरक्की कर सकता है, तो हिंदू और मुसलमान सब मिलकर कर गए। आखिर आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों करते हैं, मुसलमानों को और हिंदुओं को क्यों बांटने की बात करते हैं, आप हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता की बात करें, हिंदुस्तान की जनसंख्या की बात करें। मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती जी जरा जवाब दीजिएगा, जो बात यहां पर मुफ्ती जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को तो नसीहत दे रहे हैं कि बच्चे मत पैदा करो और आप अपनी धर्म संसद में कह रहे हैं कि हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। कहा पत्रकार के तौर पर हमेशा आपसे कहा कि आप इस प्रश्न को उठाइए कि देश की सबसे बड़ी जरूरत कठोरतम जनसंख्या नियंत्रण कानून है, वो भी चीन जैसा। लेकिन अभी मैं धर्म संसद में आपके स्वामी गोविंद देव का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा 4 बच्चे कम से कम हिंदुओं को पैदा करने चाहिए, नहीं होती मुसलमानों के लिए अलग नियम, आपके लिए अलग नियम। मुझे भी कहना पड़ेगा अपने लोगों से कि तुम भी बच्चे पैदा करो, क्यों कहना पड़ेगा। सुनिए, मैं दारुल उलूम देवबंद के पास गया जो इनका सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इनका सबसे बड़ा धार्मिक इदारा है, वहां के प्रवक्ता ने कहा कि हिंदुओं के बस की हो तो तुम भी बच्चे पैदा करके दिखाओ, हमारे में कुव्वत है, हम बच्चे पैदा करते हैं। और आप कहें तो अभी आपको लिंक देता हूं, आप देखिए देवबंद की साइट पर देखिए, जहां ऐसा लोग कहते हो, जहां धर्मगुरु ऐसा कहते हो, तो मुझे भी तो अपने लोगों की जिनका दिया हुआ मैं खाता हूं उनकी चिंता करनी पड़ेगी। याग्निक, आपको लगता है कि धर्म के आधार पर राजनीति के लिहाज से चीजों को बेहतर करने की कोशिश नहीं की जा रही है, कभी आर्टिकल 370 का डर दिखाया जाता है, कभी कैराना का डर दिखाया जाता है। अमी याग्निक, देखिए ये जो आप पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं और जो आज जनसंख्या विस्फोट हुआ है उसमें ये आपने जो ये सुना है बिल्कुल राजनीति और धर्म लेके आ गए हैं, पर इनके कई कारण हैं। आप जो एक्सपर्ट्स को पूछेंगे जो पॉपुलेशन ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जहाँ इलिटरेसी और पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है उसकी वजह से ये जो एक्सप्लोजन हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ। पर एक और 3-4 कारण उन्होंने दिए हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिनों तक पूरे आज पूरे देश को बर्बादी के कगार पर ये लोग ले गए, आज भी ये लोग कह रहे सारे नेता, देखिए सरदार जी सुन लेते हैं, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन आज कोई इकट्ठा होकर ये कह रहे विकास पैदा कर दिया, जनसंख्या नियंत्रण कानून विकास कर दिया है। संजय याग्निक, अमी याग्निक जी, कम से कम बच्चे हम चाहते हैं, केंद्र सरकार इसमें चीन जैसा कठोर कानून बनाए। धर्मगुरु 7 लाख धर्मगुरु हैं देश में, आपकी भूमिका अपने समाज को तो जागरूक करिए ना सर। जागरूक कर रहा हूं, अगर मुसलमान समाज अपने पर अधिकार ये नहीं अंकुश लगाएगा तो हम भी अपने धर्म जी हाजी साहब भाटी मेरे सवाल से क्यों बच रहे हैं, है नहीं क्या कुछ अमेठी के बारे में इनके पास कहने के लिए। इसमें सुल्तानपुर कनेक्शन के 4 लोग हैं। अच्छा, अनुराग चुप रहो, इनकी ससुराल है अनुराग भदौरिया के, वहाँ सुल्तानपुर जिले में प्रेम शुक्ला वहीं के रहने वाले हैं, और ये सुरेंद्र राजपूत जो महोदय बैठे हैं इनकी भी रिश्तेदारियाँ, तो ये सब सुल्तानपुर अमेठी वाले महाप्रभु बैठे हैं, तो इनके सामने कोई दादागिरी नहीं चलेगी। सुरेंद्र तुम ये बात तो मानोगे कि जहाँ बीजेपी तीसरे नंबर पर आती थी, 25,000, 30,000, 15,000 वोट मिलता था, स्मृति ईरानी ने 3.25 लाख वोट बढ़ाए बीजेपी के जब इलेक्शन लड़ने गई। 2004 में 2009 में बीजेपी तीसरे नंबर पे थी, बीएसपी दूसरे नंबर पे होती थी, तो ये तो स्मृति ईरानी को इतना क्रेडिट आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि जैसे प्रियंका जी वहां पे मोदी को दे दें, स्मृति ईरानी को दे दें, जिसको आप कहें दे दें। अरे तो तुम पहले हमारी बात सुनो, हम किसी पार्टी में थोड़े ही हैं कि हमको हड़का रहे हो, तुम डांटो मत, चुप रहो। अरे सर आपके सामने नहीं बोल रहा, सुनो, और अनुराग तुम बिल्कुल चुप रहोगे, ससुराल की बात है तो चुप रहो भाई। स्मृति ईरानी ने तो अरे भाई तुम लोग अब हम बोले बेवकूफ लड़के, स्मृति ईरानी ने सुल्तानपुर और अमेठी में एक डायलॉग की स्थिति पैदा की है कि नहीं, ये आप सब जानते हैं। अनुराग भदौरिया इसको एडमिट नहीं करेंगे, सुरेंद्र भी एडमिट नहीं करेंगे कि स्मृति जो लोकसभा चुनाव होता है वो प्रियंका गांधी जाती हैं और जिता के लाती हैं, और वहां पे सपा का कैंडिडेट नहीं होता,
तो सपा कैंडिडेट होता नहीं, सपा सपोर्ट करती है, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जब नहीं जाती प्रियंका गांधी तो ये सारी सीटें लोग हार जाते हैं। एक बार राम सेवक बहुत ही जबरदस्त विधायक थे, कभी हारे ही नहीं, शेड्यूल कास्ट के थे, तो उन्होंने कहा प्रियंका से आके कि भैया हम तो हार जाओ, प्रियंका को वहाँ लोग भैया कहते हैं, तो उन्होंने कहा तो जीते कैसे, तो कहने लगे आप प्रोग्राम लगाइए। और प्रियंका सुकुल बाजार से मुंशीगंज तक गई जीप में और सबसे कहती हुई कि भाई फलाने तुम इनको जिताओ जिताओ। तो एक तो प्रियंका फैक्टर वहां है जो हमें इलेक्शन में काम करता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वहां पे इस बार बसपा का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक वहां पे करीब 2.5 लाख शेड्यूल का दलित वोट हैं, माने वो जो जाटो जो उनकी जाती है, पासी नहीं, पासी तो बीजेपी को देते हैं, वो एक फैक्टर है जो कि उनको ऐड होगा। अब स्मृति ईरानी के सामने जो चैलेंज है वो ये है कि उनको जो 3 लाख वोट मिला था, उस 3 लाख वोट को 4 लाख पार कैसे कराएंगी, क्योंकि राहुल गांधी को पिछली बार 4 लाख प्लस वोट मिला था, 4 लाख पार कराना है। और जो जातियों का डायनेमिक्स है उसमें सुरेंद्र की पार्टी तो लड़ी रही है, अनुराग की पार्टी सपोर्ट करती है, आपकी जोर जबरदस्त सपोर्ट करेगी, और मायावती की पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी, ये वायदा हो चुका है। तो इस हालत में राहुल गांधी को हरा पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चूंकि प्रियंका गांधी, जैसा कि सोनम महाजन जी ने बताया कि 17-18 बार गई हैं, तो वहां हर जगह उनकी कम्युनिकेशन है, लेकिन एक उसमें कैच, स्मृति ईरानी हाँ। वहां बार बार गई हैं, हाँ। और बहुत सारे लोगों को, जैसे प्रियंका गांधी सबको जानती है वैसे वो भी सबको जानती है, लेकिन उसमें कैच, अभी हम गए थे जब तो वहां पे पता लगा कि इनके 2-3 प्रोफाइल सीट्स की जब बात हो रही है तो जाहिर सी बात है जो सबकी नजर है वो उन हाई प्रोफाइल सीट्स में अमेठी पर खास तौर पर है। कहा जा रहा है कि मुकाबला इस बार दिलचस्प होगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, स्मृति ईरानी क्या कह रही है, वो ट्वीट करके कहती है राहुल गांधी के बारे में, अमेठी ने भगाया, जगह जगह से बुलावे का स्वांग रचाया, क्योंकि जनता ने ठुकराया, सिंहासन खाली करो राहुल जी कि जनता आती है, हैशटैग भाग राहुल भाग। अब मुझे ये बताइए प्रेम शुक्ला जी, अमेठी ने कैसे भगा दिया राहुल गांधी को, 18 चुनाव हुए अमेठी में, 16 पर तो कांग्रेस पार्टी जीती है, तो कहां भगाया अमेठी ने, गले लगाया है उल्टा। देखिए ऐसा है, नहीं बिल्कुल गले नहीं लगाया है, गले लगने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अमेठी ने गले नहीं लगाया है। आप अमेठी में 2014 के बाद के जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हुए हों, चाहे वहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हों, कृपा करके कांग्रेस का परफॉर्मेंस देख लीजिए। विधानसभा चुनाव हुए 5 विधानसभाओं में से कौन सी विधानसभा पे कांग्रेस नंबर 2 ही है, जीतने की तो बात दूर की है, 5 विधानसभा सेगमेंट्स में से एक जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है, 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस कहीं नहीं है, ग्राम पंचायतें देख लीजिए, कांग्रेस कहीं नहीं है। और राहुल गांधी जब इतने चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं तो उनके नेतृत्व में वहां पर उनके सहयोगी विधानसभा में क्यों प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सफल नहीं होते, स्थानीय निकाय के चुनाव में क्यों नहीं सफल होते, और राहुल गांधी ने जिस तरह से वहां पर 10 और 15 वर्षों तक लगातार प्रतिनिधित्व करने के बावजूद और 10 वर्षों सत्ता में रहने के बावजूद जिस तरह से अमेठी के विकास के प्रति उन्होंने निष्क्रियता दिखाई, उसके कारण और पिछले 5 वर्षों में श्रीमती स्मृति ईरानी ने अमेठी को विकास के मानचित्र पर जिस तरह से ऊपर उठाने का काम किया है वो साफ तौर पर अमेठी की जनता ने देखा कि स्मृति ईरानी की तुलना में राहुल गांधी को अमेठी का जनादेश देने से किसी प्रकार का अमेठी को लाभ नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए आप अपनी बात रख रहे हैं, मैं तो ट्वीट पर बात कर रही हूँ, आपने कहा कि भाई अमेठी ने नहीं भगाया, मैंने कहा 18 चुनाव हुए और आप तो वहीं रहते हैं ना, बगल के रहने वाले हैं, तो आपको तो मालूम है, आप तो वस्तु स्थिति से वाकिफ हैं। सुनिए ना, एक बात और बोली स्मृति ईरानी जी ने, उन्होंने कहा जगह जगह से बुलावे का स्वांग रचाया। 2014 में मोदी जी भी 2 जगह से लड़े ना, तब तो वाराणसी में माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था, अब मतलब आप कर रहे हैं तो कार्यकर्ताओं ने बुलाया है, उनका प्यार है, और अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो वो गलत है, कहां से स्वांग हो गया, फर्क क्या है? नहीं अच्छा, इसका उत्तर तो सुन लीजिए। नेहा जी वायनाड में वो कैंडिडेट घोषित कर देते हैं और घोषित करने के बाद उससे पर्चा मांगने लगते हैं कि भाई वापस ला दो। और आप इसके वायनाड के चुनाव के एक और बड़ी बड़ी चीज देखिएगा,
राहुल गांधी ने लगातार जिस तरह से बहुसंख्यक समुदाय को गरियाने का काम अपने सत्ता काल में किया कि हिंदू आतंकवादी हैं, उसका परिणाम स्वरूप है कि 16 जो इस देश की अल्पसंख्यक बहुल, जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक जहां बहुसंख्यक हैं, ऐसी सीटों पर, कश्मीर घाटी की 3 सीटें हैं, मुरादाबाद की सीट है, किशनगंज की सीट है, इस तरह की सीटें, उसमें से एक सीट वायनाड है जहां पर 50% से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय का मत है, बहुसंख्यक समुदाय वहां अल्पसंख्यक है, वो ढूंढकर वायनाड में कहां जा रहे हैं? जहां अल्पसंख्यक समुदाय, जिनका डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार है, तो बहुसंख्यक समुदाय की सीट का चयन नहीं किया? जहां अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक है, ऐसी सीट के चयन का संकेत इस बात का इशारा ये बात करता है। शुक्ला जी, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भैया कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्यार है, वो वही बात कह रही है जो बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2014 में कही थी। फिर स्मृति जी ये भी कहती हैं क्योंकि जनता ने ठुकराया। अब प्रेम शुक्ला जी, आप तो उसी इलाके से आते हैं, कहां ठुकराया गांधी परिवार को? पिछली बार भी 1,00,000 के अंतर से जीते ना राहुल गांधी, और कैसे ठुकराना चाहती हैं आप? अरे जीते ना सर, जनादेश में जीते तो जीते। एक विधायक नहीं चुनवा सकते? एक विधायक नहीं, एक विधायक का जनादेश दिलवा दिया। इतने बड़े नेता हैं, आप समझिए ना, काशी में अगर मोदी जी के नेतृत्व में काशी में मोदी जी जीते और सारे विधायक जो हैं वहां पर कांग्रेस के आ जाए या सपा के आ जाए या बसपा के आ जाए, तो आप क्या विश्लेषण करेंगे? कृपा करके बताइए। यहाँ पर आदरणीय शेषनारायण सिंह जी जैसा विश्लेषक बैठा जो अमेठी के बगल के ही है, और जब अमेठी सुल्तानपुर जिले का अंग होता था तब से वहां की पत्रकारिता को करते, कृपा करके मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं शेष नारायण जी के भी पास आऊंगी, आपको तो बड़े ध्यान से सुरेंद्र राजपूत भी सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हार जाए, आप कह रहे हैं कि जो विधानसभा थी, विधानसभा में विधानसभा सीटों पर खाता भी कांग्रेस नहीं खोल पाई, वैलिड फैक्ट है, मैं उसका जवाब सुरेंद्र राजपूत जी से जरूर लूंगी। लेकिन मुझे ये बताइए, देखिए मेरा ध्यान तो इस ट्वीट की तरफ ही है जो बात स्मृति जी कह रही हैं, क्योंकि स्मृति जी मैदान में होंगी और राहुल गांधी मैदान में होंगे और पूरा देश अमेठी को देख रहा होगा। वो कहती हैं सिंहासन खाली करो राहुल जी की जनता आती है। आप खुद सुल्तानपुर से आते हैं प्रेम शुक्ला जी, आप जानते हैं कि अमेठी की अगर बात की जाए तो उन्होंने तो कभी बाहरी को गले ही नहीं लगाया। 2014 में कुमार विश्वास जी का क्या हुआ? जमानत जब्त हो गई उनकी, तो जो बाहरी आता है उसको भगाते हैं वो, गांधी परिवार के तो साथ ही रहे। नहीं तो ये भी तो बाहरी है। नहीं, अच्छी बात आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, आपका 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 ये विश्लेषण बहुत उत्तम है। सिसिली जो है वो सुल्तानपुर के बगल में है। श्रीमती सोनिया गांधी सिसिली में जन्मी थी, वो सिसिली सुल्तानपुर का पड़ोसी है, और जो है मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का अंग जो है वो कुमार विश्वास, वो अमेरिका के आगे होगा। तो ये विश्लेषण आप कर रही हैं, यदि कुमार विश्वास बाहरी है, यदि स्मृति ईरानी बाहरी है, तो क्या श्रीमती सोनिया गांधी उनकी नाबिनाल क्या अमेठी में गाड़ी गई है? कृपया इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक सर, चलिए, आप जो 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 पॉइंट्स थे जिस पर बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर भी हमलावर रहती है और अमेठी को लेकर के जो स्मृति ईरानी का पर्सपेक्टिव है, उस पर आपने अपनी बात रखी। अब मैं जाती हूँ सुरेंद्र राजपूत जी के पास। सुरेंद्र राजपूत जी, अरे चुनाव जीते और एक तरफ उनके समकक्ष वो नेता जो अब तक चुनाव नहीं जीती। राजपूत जी जल्दी से इसका काउंटर ले लूं, फिर मैं तुरंत आपके पास आती हूँ, आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। लेकिन क्योंकि ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ा आरोप है, तो प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब लेके फिर आपके पास आती हूं। नहीं नहीं, एक पक्ष इसको जानिए, जब भी गांधी परिवार संकट में आता है, 1977 में संकट में आया तो श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली और चिकमंगलूर दोनों सीटों से लड़ी थी। 1998 में रायबरेली अमेठी दोनों सीटें हार गया था गांधी परिवार, तो 1999 के चुनाव में अमेठी और बेल्लारी दोनों सीटें श्रीमती सोनिया गांधी लड़ी थी। और अब जो है दूसरी सीट की खोज कब शुरू हुई है? जब राहुल गांधी अमेठी की सीट के संकट में है और श्रीमती स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बावजूद जिस तरह से अमेठी में सक्रिय रही, अमेठी की जनता इस बात का साक्षात्कार कर रही है कि अमेठी का नेतृत्व श्रीमती स्मृति ईरानी बेहतर कर सकती हैं। इसलिए 5 में से 4 विधायक स्मृति ईरानी ने जिनका प्रचार किया उनके पक्ष में जनादेश गया है। और स्थानीय निकाय के चुनाव में जब उत्तर भारत में संकट आता है, दक्षिण भारत याद आता है कांग्रेस पार्टी को, शरण में जाती है कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत के। जी 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 जी, अब हम आपको दूसरी बात बता देते हैं। ईरानी ने क्या दिया? राजपूत साहब कह रहे हैं इतना कुछ दिया राहुल गांधी ने, वो मार्जिन झलक के 1,00,000 कैसे आ गया वो मैं पूछूंगी उनसे आगे, पर पहले बताइए स्मृति ईरानी जी ने क्या दिया? नहीं, सुन लीजिए, राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पे भूमाफियाओं की तरह भूमि कब्जा किया राहुल गांधी ने, श्रीमती स्मृति ईरानी ने सैनिक विद्यालय का नींव इन्होंने 2005 में रखी, 2014 तक भूमि अधिग्रहण भी नहीं किया,
श्रीमती स्मृति ईरानी ने सैनिक विद्यालय का निर्माण करवा दिया। गन फैक्ट्री की नींव 2007 में रखी, 2014 तक कुछ नहीं कर पाए, गन फैक्ट्री जो है श्रीमती स्मृति ईरानी ने शुरू करवाया। वहां पर जो है तमाम जो है कौशल विकास की योजनाएं, उसका शिलान्यास और उसका उद्घाटन शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, लगातार श्रीमती स्मृति ईरानी करती रही। और श्रीमती स्मृति ईरानी जो नहीं, अब अट्टहास करने से राहुल गांधी की निष्क्रियता जो है वो सक्रियता में परिवर्तित नहीं हो सकती। अब आप साफ तौर पर देखिए कि श्री राहुल गांधी ने सम्राट साइकिल का अधिग्रहण किया, उस फैक्ट्री का, राजीव गांधी फाउंडेशन, वहां कुछ काम नहीं कर सके। अब राहुल गांधी ने कौन सी परियोजना साकार कर दी 2004 से 14 में? एक परियोजना बता दी, एक परियोजना, इस परियोजना का शिलान्यास किया, ये तो बड़ा आसान होगा ना, एक परियोजना बताना जो है जो पूरी करके अमेठी के नाम कर दी, मिलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से अमेठी जो है वो नेशनल मैप पर जाना जाता है। एक परियोजना, गांधी परिवार को गले लगाया इस अमेठी ने, अमेठी श्री राहुल गांधी की परियोजना, श्री राहुल गांधी के कार्यकाल। अरे भाई प्रेम शुक्ला जी, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, आप चुप रहिए अभी दो मिनट। आप तो अपने ही गांव में शादी करते हैं ना, अपने गांव में शादी क्यों? एक गोत्र में हमको लगता है शादी करते हैं, है ना? नहीं, हम सिसिली में, सिसिली में शादी करने तो नहीं जाते हैं, प्रेम अपने गांव में नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लेकिन अपने वाले हम लोग कम से कम जो है अपने दूसरे गांव वाले बाहर के लगते हैं, आदरणीय शेष नारायण जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी जरा हिंदू मेथोलॉजी आपको बताएंगे। अभी 20 साल तक जो है जब तक प्रधानमंत्री बनाने योजना नहीं आता तब तक नागरिकता नहीं, 1000 योजना, और आप लोगों ने कितनी योजनाएं हमारी कैंसिल की है वो भी मैंने बता दिया था। और सच्चाई है कि हमारी बनाई योजनाओं का फीता काटते हैं। अरे चुप रह करके सुन तो लीजिए, चुप रह करके सुन तो लीजिए, की एक योजना मैंने कहा ना कि चुप रह करके सुन तो लीजिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक्सटेंशन, एचएएल का। अरे भैया माफियाओं की धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं है ना, श्रीमती सोनिया गांधी ने हॉस्पिटल का एक्सटेंशन कब कब किया, कब हम धमकी नहीं देते हैं आपको, धमकी अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? आप दोनों ने अपनी बात रखी, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगी, मेरे साथ सोनम महाजन मौजूद हैं। एक मिनट देखिए, बहुत लोग इस डिबेट को देख रहे हैं, एक मिनट मैं फिर आपके पास आऊंगी। सोनम महाजन जी, ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अमेठी के अग्निपथ से डर कर राहुल गांधी दूसरी सीट की तलाश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, इस पे टिप्पणी तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं वही कर सकते हैं कि वो लड़ रहे हैं चुनाव या नहीं लड़ रहे। मुझे अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछें तो पहले तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में दूर दूर तक कोई तुलना नहीं है। स्मृति ईरानी एक स्वनिर्मित महिला हैं जो बहुत ही सामान्य वर्ग से आती हैं, उन्होंने मतलब बहुत कम उम्र से वो छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार का पोषण करती थी, उसके बाद उन्होंने टेलीविजन में भी अपने बूते पे अपनी एक पहचान बनाई, और राजनीति में भी हमने देखा है कि टिकता वही है जो अच्छा काम करता है, सिर्फ आप फैन बेस बना के या जुमलों से आप कभी टिक नहीं पाते। दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जिनके पास अपना एक परिवार का एक ब्रांड है, वो परिवार जिसने 60 साल तक इस देश पे राज किया, प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, वो डिजर्व करते थे या नहीं ये तो जनता ही बता सकती है, इसलिए जनता ने नया विकल्प भी लाया। और पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी, अगर हम देखें इसको लॉजिकली देखें, तो सिर्फ 1,00,000 वोट्स का फर्क था, सिर्फ 12% का फर्क था, और स्मृति ईरानी को बहुत कम समय मिला था उस समय प्रचार करने के लिए। और पिछले 5 साल में बहुत कुछ बदला है, हालांकि स्मृति ईरानी हार गई थी, पर वो अमेठी पिछले 5 साल में 35 बार गई हैं और राहुल गांधी जी 16 से 17 बार गए हैं। केंद्र सरकार की जीवन बीमा योजना के अंतर्गत भी उन्होंने कम से कम 50,000 लोगों को, 50,000 लोगों को उन्होंने कवर किया है, तो जिसका जनता के साथ कनेक्शन अच्छा बैठता है, जनता उसी को चुनती है। और जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इनको बोलिए कि ये चुनावी रैली नहीं है, यहाँ पर आपको आपकी राय के लिए बुलाया जाता है, चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया जाता। आप भारतीय जनता पार्टी की सहायक है और इस तरीके से इतना झूठ बोलती है कि हम क्या बताएं? राहुल गांधी इसमें गलत क्या है? मुझे बताइए, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष करती हूँ
तो लॉजिकल बेसिस पे करती हूँ, फैक्ट के बेसिस पे करती हूँ, क्यों राहुल गांधी जी जस्ट बिकॉज वो इंदिरा गांधी के पोते हैं उनका पक्ष करना क्या जरूरी है? आप झूठे, मुझे मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं है, जो अच्छा काम करेगा मैं उसी का पक्ष लूंगी, मुझे क्या लेना है भाजपा से या आपसे? आपको तो बात करने की तमीज तक नहीं है। मैं शाम को भी एक डिबेट देख रही थी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जिस प्रकार बात कर रहे थे आपका स्तर उससे समझ में आता है। गांधी के ऊपर झूठा आरोप लगाती क्या बात कर रहे हैं? वो 16 से 17 बार ही गए हैं अमेठी, जाइए जाकर राहुल गांधी जी से प्रश्न करिए। वैसे मुझे डाउट है कि आपके पास एक्सेस होगा उनका, आई डोंट थिंक वो आज जैसे लोगों से मिलते भी होंगे, वो तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, चाइनीज एम्बेसी से छुप छुप के मिलते हैं, यूएस जाते हैं और कहते हैं हिंदू आतंकवादी है। मुझे नहीं लगता आम प्रवक्ता आपके जैसे उनके पास एक्सेस भी होगा, जाइए उनसे बात करिए। 15 दिन में सिर्फ 44 ठीक है, देखिए ये तो जनता हिसाब किताब कर देगी। 6 मई को चुनाव और 6 मई में जनता जनादेश देकर मोहर लगा देगी। हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सचमुच हार से डर रहे हैं? बेहद हाई प्रोफाइल सीट को लेकर अमेठी में सियासी शोर, राहुल या स्मृति किसका जोर, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी भी मौजूद हैं। अनुराग जी, एक बात मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी तो अपना कैंडिडेट ही कभी खड़ा नहीं करती है, तो मतलब ये क्या चक्कर है? वैसे तो कांग्रेस पार्टियों को कई नीतियों पर आप लोग सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करते हैं, निशाना भी साधते हैं, लेकिन जब बात आती है अमेठी की तो कभी अपना कैंडिडेट नहीं देते। कौन सी नूरा कुश्ती है ये अनुराग जी? परिवार परिवार को बचाएगा, कुछ ऐसी सेटिंग है क्या? दो चीजें हैं। देखिए, राहुल गांधी, राजीव गांधी के जमाने से, संजय गांधी के जमाने से अमेठी इस परिवार की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, और एक ऐसी स्थिति थी कि इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था। हम लोग अमेठी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और हम लोग जब कहीं सुल्तानपुर बताते लोग कहते थे अच्छा अमेठी के हैं क्या, इस स्थिति की हुआ करती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इन 20-30 वर्षों में, 1980 से लेके 2020 तक में 40 वर्षों की अवधि में 1.5 लाख लोगों के घरों में बिजली नहीं पहुंची अमेठी में, यानी 40% अमेठी को गांधी परिवार बिजली नहीं पहुंचा सका। और उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद उनमें से 50% घरों में बिजली पहुंच गई, तो इसका परिणाम आपको लगता नहीं मिलेगा। बताइए राजपूत साहब, ये और इसके ऊपर एयर स्ट्राइक शेष नारायण जी ने भी किया, की संख्या किसका कितना जोर, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, एक बात बताइए, ये खबर तो अब सब तक पहुंच गई है, सबको मालूम है, हाजी सुल्तान खान के बेटे हाजी हारून राशिद वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और उन्हें साफ कर दिया है राहुल गांधी के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। और आपको याद होगा राजीव गांधी के नामांकन में हाजी सुल्तान खान बाकायदा प्रस्तावक थे, तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि अमेठी में तो कांग्रेस से अपने भी बेगाने हो रहे हैं, वो भी उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, अमेठी की जनता क्या सर आंखों पर बिठाएगी इस बार? देखिए नेहा जी, आपके ने सोनम महाजन जी जैसी प्रॉक्सी भाजपा की प्रवक्ता, 15 दिन स्मृति ईरानी आई, लेकिन 34 दिन राहुल जी आए, इन्होंने कितनी आसानी से बदल दिया। तो इस तरीके के झूठ छल अमेठी में नहीं चलने वाले। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान प्रेम शुक्ला कितना भी कर ले, हिंदू मुसलमान प्रेम शुक्ला कितना भी कर ले कि वहाँ 50% है, वहाँ 70% है, इस बार ऐतिहासिक विजय राहुल गांधी होगी। और सोनम महाजन, आप इतने परिवार के प्रवक्ता, छदम भेदभावी, दोहरे लोग, दोहरे मापदंड के लोग, आप जैसे लोगों को ठीक करना हम खूब जानते हैं चैनल पर, आप झूठे लोग हैं। प्रेम शुक्ला की तरीके से खुल के आइए, आपको देश ने ठीक कर दिया। मैंने आपको कहा तो देश ने ठीक कर दिया, आप क्या ठीक करेंगे हम जैसे लोगों को? आपको देश ने 44 पे ला के छोड़ा है, इस बार क्या 20 पे आना चाहते हैं? थोड़ी तमीज से बात करिए। ये अक्खड़पन की जो राजनीति आप लोग करते हैं ना, और ये आप टेलीविजन पे जो गुंडागर्दी करते हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं, आप तो शर्म पैदा करेंगे आने के लिए टीवी पे। मैंने कहा ना, आप जैसे बदतमीज लोगों से हमें भाषा का ज्ञान नहीं चाहिए। आप चाटुकारिता करिए, परिचय दे रहे हैं कि आप इस प्रकार की भाषा यूज करते हैं, लेकिन आप इसका परिचय बहुत खुल के दे रहे हैं, आपको ज्ञान कौन देगा? कोई पागल नहीं होगा जो आपको ज्ञान देगा, क्योंकि आपके यहाँ घुसने का तो नहीं ना। अगर यहाँ ज्ञान होता तो आप राहुल गांधी की पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी ना होते। कुछ भी करिए, कोई भी समझदार व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनना चाहेगा सर।
अरे जो सच बोले वो चाटुकार, जो राहुल गांधी की भक्ति करे वो देशभक्त। हम ऐसी देशभक्ति से दूर ही ठीक है। आप भी मौका दीजिए कभी कि आपकी तारीफ भी करें। आप भी कभी मौका दीजिए ना। के मामले में अभी आप एक मिनट में महिला बन जाएंगी। क्यों, उनकी योग्यता क्या है? वो इंदिरा गांधी के पोते हैं या नेहरू के पड़पोते? क्या योग्यता है उनकी या फिर वो सोनिया गांधी के बेटे? अच्छा एक मिनट, देखिए मैं कोशिश कर रही थी कि आप लोग शायद खुद ही मुद्दे पर आ जाएंगे, पर एक मिनट राजपूत साहब सुनिए ना, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है आपकी, आप उस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के प्रवक्ता हैं सर। मेरा सवाल सीधा आपसे था, आप उसमें कोई और मुद्दा ले आए। राजपूत साहब, राजपूत साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो संशय के बादल है इनको क्लियर करना चाहिए? भाई लोग पूछ रहे हैं बात कि अगर अमेठी कांग्रेस पार्टी का इतना मजबूत गढ़ है आज की तारीख में भी, तो क्यों बाहर जा रहे हैं राहुल गांधी? आखिर क्यों लड़ना पड़ रहा है या क्यों इस तरह की चर्चाएं भी हो रही है? चलिए मैं आपको इसका, संजय गांधी ने पिपरी गांव को जानते होंगे ना, पिपरी गांव में संजय गांधी ने वहां पर बांध बनाने की बात की थी कि बाढ़ के लिए एक छोटा बांध बनाएंगे और जो है 40 वर्षों में नहीं बना सके, स्मृति ईरानी को बनाना पड़ा। कृपा करके बताइए ना, नहीं आप चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं तो कृपा करके बताइए ना, पिपरी गांव जानते होंगे बेटी का। संजय गांधी ने कहा था यहाँ बाढ़ के लिए, आपकी चाटुकारिता दिख रही है ना, आपकी चाटुकारिता तो प्रकट है। यदि आप चाटुकार नहीं है तो कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 40 वर्ष में हमें ठीक है 5000 कस्बों को बिजली क्यों नहीं पहुंचाई? यदि आप चाटुकार नहीं है तो कृपा करके उत्तर दीजिए कि सम्राट साइकिल की जमीन पर 64 एकड़ गरीब किसानों की जमीन को राजीव गांधी फाउंडेशन ने भू माफिया की तरह क्यों कब्जा किया? और क्या ये सत्य नहीं है कि जनवरी 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी में गए तो किसानों ने राहुल गांधी इटली जाओ, राहुल गांधी इटली जाओ, ये अमेठी के किसानों ने क्या नारा नहीं लगाया? क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है? जरा ईमानदारी से बताइए, राहुल गांधी इटली जाओ ये प्रेम शुक्ला का नारा नहीं है? ये सम्राट साइकिल में जिन किसानों की जमीन को कब्जा कर लिया राहुल गांधी? ठीक है आप दोनों ने एक मिनट जवाब ले लेती हूँ, मैं प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब ले लेती हूँ। सुरेंद्र राजपूत साहब सुनिए ना, आप तो डिबेट के पहले मिनट से मेरे साथ जुड़े हुए थे ना, आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? राजपूत जी आपने कहा नहीं पूछेंगे दो सीटों से मोदी जी चुनाव क्यों लड़े। अरे मेरा दूसरा सवाल था ये, आप सुनते कहां हैं राजपूत जी, सुनते कहां हैं आप? वन वे ट्रैफिक चलाएंगे तो आपको कहां पता चलेगा? आज सारे सवाल प्रेम शुक्ला जी से थे शुरुआत में, आपने नहीं सुना उस वक्त। प्रॉब्लम क्या है ना, जो हमारी लाइन को आगे बढ़ाए वो हमें सूट करेगा, जो नहीं बढ़ाए उसको हम सीधे सीधे पार्टी के प्रवक्ता से जोड़ देंगे। ये फैशन बन गया है सर, ये ट्रेंड बन गया है, ये ट्रेंड बन गया है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ट्रेंड बन गया है। शूट द मैसेंजर, मैसेंजर को पकड़ो और शूट करो। मैं फिर आपके पास आऊंगी क्योंकि सवाल जो है वो दोनों पक्षों से। सोनम महाजन, मैं चाहूंगी अब आप आए क्योंकि सोनम महाजन जी के बाद मुझे अनुराग भदौरिया के पास भी जाना है। सोनम महाजन जी मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी अमेठी से जीतते रहे हैं लेकिन इस बार जब चुनाव आ रहे हैं तो चर्चा ये हो रही है कि दूसरी सीट से भी वो लड़ सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं दक्षिण से आकर लड़े, क्या इसे राहुल गांधी कांग्रेस के डर से जोड़कर देखना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए इतिहास गवाह है कि अक्खड़पन और घमंड की राजनीति को भारत के लोगों ने हमेशा नकारा है। राहुल गांधी जी की पार्टी की क्या सोच है उनके प्रवक्ता वो साफ दिखा रहे हैं टेलीविजन पे। अगर राहुल गांधी जी के पास गांधी परिवार का टैग है तो उनको ये भी समझना चाहिए कि स्मृति ईरानी के पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो कि वो 5 साल में बहुत बार अमेठी जाती रही हैं, उन्होंने लोकल जो वहाँ के लोग हैं इनको अच्छा लगे या ना लगे पर सच्चाई यही है कि उन्होंने लोकल लोगों के साथ अच्छा वहाँ पर कनेक्शन एक बैठाया है। दूसरी बात ये जो ये भूल रहे हैं, उनके साथ मोदी का एक ब्रांड भी है और मोदी का जो ब्रांड है वो सिर्फ एक परिवार की वजह से नहीं है, उनके ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से। तभी एक समय में इनका वीजा बैन करवाते थे ये लोग, आज वो देश के प्रधानमंत्री है। योगी आदित्यनाथ 10 साल पहले संसद में रोए थे कि उनको झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है, आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो हवा बदलने में देर नहीं लगती और जो राजनीति है वो प्रेम और सद्भाव से ही की जाती है। इस प्रकार की अगर आप भाषा का इस्तेमाल टीवी पे कर सकते हैं, राहुल गांधी देखिए, उनसे एक गरीब व्यक्ति ने कुछ सवाल
सवाल पूछा, अमेठी की ही बात है, ये तो कैमरा पे है, इसको भी अब राजपूत जी झूठ बोल दे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एक या डेढ़ साल पुरानी बात है, उनसे किसी गरीब व्यक्ति ने अमेठी में सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था जाइए जाके बीजेपी वालों से पूछिए। क्या कोई भी बड़ा जो नेता है वो किसी गरीब व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार से बात करता है? आप अपनी बर्बादी का कारण खुद ही है। मैं इसी पे इसको छोड़ना चाहूंगी। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सोनम महाजन ने भी परिवार की बात की, इस सवाल का जवाब दीजिएगा भदौरिया जी, आप लोग कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते हैं अमेठी में? पहले मैं सोनम जी को एक बात का जवाब दे दूं। सोनम जी जरा आप कभी निकलिए जहां भी आप रहती हैं, और क्या होता है गांव का मॉडल, कैसा गांव मोदी जी को बनाना चाहिए था? आप जानना चाहते हैं क्या टेलीविजन पे सपा के गुंडे भेजेंगे क्या जो पंखुड़ी पाटन के नीचे लगाए आपने? अभी आप सिर्फ सुन तो लीजिए ना, आप सुनना है नहीं, आपको चिल्लाना है। पंखुड़ी पाटन के नीचे जो सपा के गुंडे आपने लगाए मेरे घर भेजेंगे क्या? आपकी बात मैंने पूरी सुनी। एक महिला के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग की बजाय भद्रता पूर्वक आपको, मैंने कोई अपन बात नहीं की, आपको भला बचाना तो मत बोलिए। पूछते कि आज रुपया पत्रा क्यों होता चला जा रहा है, आपसे महंगाई क्यों बढ़ी, आपसे एक गरीब माँ अपने बच्चों को लेके आत्महत्या क्यों कर रही है? आप नहीं पूछ पाए क्योंकि मैं आपको अपने जवाब दे रहा हूँ, आप नहीं पूछ पाए क्योंकि आप आम आदमी नहीं है। तो पहले मैं आपसे पूछूंगी, आप उसी पार्टी बोल के कुछ समझ लीजिए, आम आदमी हमेशा जो कहते हैं कि फास्ट फूड खाने वालों को रेप करने का मन करता है, आप तो महिलाओं के बारे में बात मत करिए। आप पूछते बेरोजगार, आप उसी पार्टी के नेता है ना, आपने नोटबंदी की थी, जिसमें अब वो आदमी है जो कहता है कि एक औरत को घर से अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना बलात्कार तो होगा। आप पूछते उनसे, आप कौन है, आप मुझसे सवाल करने वाले? आपसे सवाल पूछा गया तो जवाब दीजिए, नहीं है तो चुप करके बैठिए पानी पीजिए। क्यों? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं। भदौरिया साहब सुन लीजिए, नाटक मत कीजिए, बात निकली है दूर तरह तक जाएगी सर। भदौरिया जी आप वही ऐसी बातों में क्यों पड़ रहे हैं जहाँ मुश्किलें हो? जवाब मुद्दे पर आ जाइए ना भदौरिया साहब, सराहना की थी आपके फेवर में, बोलो तो मैं बहुत अच्छी हूँ। आप भरोसा नहीं करते, आप एक विशेष पार्टी की बात करके आप आम आदमी बताते हैं अपने आप को, इस बात का मुझे खेद है। मैं प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, और दावे के साथ कहता हूँ प्रवक्ता हूँ जो समाजवादी की बात करता हूँ। भदौरिया साहब सुन लीजिए ना मुझे, देखिए ना, देखिए मैंने कहा ना बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी, फिर ये भी होगा कि नेताजी ने क्या कहा था बलात्कार के मामलों पर, किस तरह का शर्मिंदगी भरा बयान दिया था। नहीं चाहते ना भदौरिया साहब कि वो पिटारा खोला जाए, तो रहने दीजिए ना, आज जो मुद्दा है उस पर आइए भदौरिया साहब, आपको पता होता है ना कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है सर। यू वोंट हैव अ प्लेस टू हाइड योर फेस। आपने देखा होगा इनका सांसद एक आईपीएस के घर में घुस के उनकी बीवी को अड़का रहा था, इनका सांसद उन्नाव में किस केस में बंद है जो अपनी पार्टी से? आपके पास अमेठी पर कुछ कहने के लिए है या नहीं है सर? आईपीएस की महिलाओं को धमका रहा, मैं नहीं जाऊंगी सर। गायत्री प्रजापति क्या थे क्या नहीं थे, कैसे गायत्री प्रजापति के लिए कैंपेन करने के लिए अखिलेश यादव मंच पर आए, गायत्री प्रजापति नीचे था, नहीं जाना बुलंदशहर, अमरमणि त्रिपाठी, अरे सर कितने नाम गिनवाए? देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं डिबेट को डाइवर्ट, वो आप इसीलिए कर रहे हैं भदौरिया जी, आपके पास जवाब नहीं है तो इनका कोई गठबंधन नहीं है, अमेठी पर कोई जवाब नहीं है क्या भदौरिया जी? आप सुन तो रहे हैं मुझे बराबर, लेकिन आप हर बार की तरह वन वे ट्रैक चला रहे हैं, आपकी रेलगाड़ी एक तरफ निकल रही है तो आप थामिए अपनी रेलगाड़ी को। अमेठी पर आपके पास कुछ कहने को हो तो मैं फिर आपके पास आऊंगी। मैं चलती हूँ शेष नारायण जी के पास जो वहीं के रहने वाले हैं। शेष नारायण जी पहले तो आप मुझको सीधे बता दीजिए समाजवादी पार्टी मेरे सवाल से क्यों बच रही है? है नहीं क्या कुछ अमेठी के बारे में इनके पास कहने के लिए? इसमें सुल्तानपुर कनेक्शन के चार लोग हैं। अच्छा अनुराग चुप रहो, इनकी ससुराल है अनुराग भदौरिया के वहां सुल्तानपुर जिले में, प्रेम शुक्ला वहीं के रहने वाले हैं, और ये सुरेंद्र राजपूत जो महोदय बैठे हैं इनकी भी रिश्तेदारियां हैं, तो ये सब सुल्तानपुर अमेठी वाले महाप्रभु बैठे हैं, तो इनके सामने कोई दादागिरी नहीं चलेगी। सुरेंद्र तुम ये बात तो मानोगे कि जहां बीजेपी तीसरे नंबर पर आती थी 25,000, 30,000, 15,000 वोट मिलता था, स्मृति ईरानी ने 3.25 लाख वोट बढ़ाए बीजेपी के जब इलेक्शन लड़ने गई। 2004 में 2009 में बीजेपी तीसरे नंबर पे थी, बीएसपी दूसरे नंबर पे होती थी, तो ये तो स्मृति ईरानी को इतना क्रेडिट आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि जैसे प्रियंका जी वहां पे मोदी को दे दें, स्मृति ईरानी को दे दें, जिसको आप कहें दे दें। अरे तो तुम पहले हमारी बात सुनो, हम किसी पार्टी में थोड़े ही हैं कि हमको हड़का रहे हो, तुम डांटो मत, चुप रहो। अरे सर आपके सामने नहीं बोल रहे। अच्छा सुनो, और अनुराग तुम बिल्कुल चुप रहोगे, ससुराल की बात है तो चुप रहो।
भाई स्मृति ईरानी ने, अरे भाई तुम लोग अब हम बोल रहे हैं बेवकूफ लड़के, स्मृति ईरानी ने सुल्तानपुर और अमेठी में एक डायलॉग की स्थिति पैदा की है कि नहीं, ये आप सब जानते हैं। अनुराग भदौरिया इसको एडमिट नहीं करेंगे, सुरेंद्र भी एडमिट नहीं करेंगे कि स्मृति जो लोकसभा चुनाव होता है वो प्रियंका गांधी जाती हैं और जिता के लाती हैं, और वहां पे सपा का कैंडिडेट नहीं होता, तो सपा कैंडिडेट होता नहीं, सपा सपोर्ट करती है, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जब नहीं जाती प्रियंका गांधी तो ये सारी सीटें लोग हार जाते हैं। एक बार राम सेवक बहुत ही जबरदस्त विधायक थे, कभी हारे ही नहीं, शेड्यूल कास्ट के थे, तो उन्होंने कहा प्रियंका से आके कि भैया हम तो हार जाओ, प्रियंका को वहाँ लोग भैया कहते हैं, तो उन्होंने कहा तो जीते कैसे, तो कहने लगे आप प्रोग्राम लगाइए। और प्रियंका शुक्ल बाजार से मुंशीगंज तक गई जीप में और सबसे कहती हुई कि भाई फलाने तुम इनको जिताए जिताओ। तो एक तो प्रियंका फैक्टर वहां है जो हम इलेक्शन में काम करता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वहां पे इस बार बसपा का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक वहां पे करीब 2.5 लाख शेड्यूल का दलित वोट हैं, माने वो जो जाटो जो उनकी जाती हैं, पासी नहीं, पासी तो बीजेपी को देते हैं, वो एक फैक्टर है जो कि उनको ऐड होगा। अब स्मृति ईरानी के सामने जो चैलेंज है वो ये है कि उनको जो 3 लाख वोट मिला था, उस 3 लाख वोट को 4 लाख पार कैसे कराएंगी, क्योंकि राहुल गांधी को पिछली बार 4 लाख प्लस वोट मिला था, 4 लाख पार कराना है। और जो जातियों का डायनेमिक्स है उसमें सुरेंद्र की पार्टी तो लड़ ही रही है, अनुराग की पार्टी सपोर्ट करती है, आपकी जोर जबरदस्त सपोर्ट करेगी, और मायावती की पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी, ये वायदा हो चुका है। तो इस हालत में राहुल गांधी को हरा पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि प्रियंका गांधी, जैसा कि सोनम महाजन जी ने बताया कि 17-18 बार गई हैं, तो वहां हर जगह उनकी कम्युनिकेशन है, लेकिन एक उसमें कैच, स्मृति ईरानी हाँ। वहां बार बार गई हैं हाँ। और बहुत सारे लोगों को, जैसे प्रियंका गांधी सबको जानती है वैसे वो भी सबको जानती है, लेकिन उसमें कैच, अभी हम गए थे जब तो वहां पे पता लगा कि इनके 2-3 विधायक जो हैं इनसे बहुत नाराज हैं। एक तो अमेठी के जो विधायक जी हैं उनका वो महिला है, संजय सिंह की वाइफ है, एक्स वाइफ कहते हैं, और उनका बेटा आनंद विक्रम सिंह जबरदस्त नेता है, वो उसको मंच पे नहीं बैठने देती। एक मयंकेश्वर शरण सिंह है, वो भी राजा है वहां का, उसको भी मंच पे नहीं बुलाती। तो इन लोगों में नाराजगी भी है, मुझे लगता है कि इन लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा। अमेठी ये मान लो नेहा कि अभी भी जो पुराना वहां कहा जाता है, जौना हो तो अमेठी ऊसर, राजा हो दयु के दूसर, यानी नेक्स्ट गॉड होता राजा, राजा की वहां बड़ी इज्जत है। तो इस कॉम्प्लिकेशन में अब जैसे पिछली बार मैंने प्रियंका इनसे माननीय स्मृति ईरानी से कहा कि आपके यहाँ कार्यकर्ता बाहरी हैं, लोकल तो कोई है नहीं, वहां सबसे बड़े बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ठाकुर तेजभान सिंह, 67 में एमएलए जीते थे और बहुत आदरणीय हैं, मैंने उनका नाम लिया था, तो इन्होंने उनको साथ लिया और सब काम किया। तो आज स्थिति यह है कि ये लड़ाई अभी बहुत फाइनल स्टेजेस में नहीं है। यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि भैया चैलेंज बहुत बड़ा है, चैलेंज बड़ा है और जो सामने, लेकिन डेंट कर सकती हैं, राहुल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने जो दक्षिण जाने का फैसला किया है वो इस बात को कंफर्म करता है, कंफर्म करता है, रिस्क लेना ठीक नहीं है। लेकिन जो इस वक्त एयर स्ट्राइक के बाद माहौल बदला था लेकिन 72,000 वाला जो खेल है इसका क्या असेसमेंट होगा? चलिए तो ये दोनों पॉइंट्स में दाग देती हूँ, एक सवाल इसमें से सुरेंद्र राजपूत जी के लिए भी है, एक प्रेम शुक्ला के लिए। प्रेम शुक्ला जी, पहले जो बात कही शेष नारायण जी ने पे जीने में, उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। चुनौती बड़ी है और उन्होंने बड़े विस्तार से बताया, उसमें हम फिर से नहीं जाएंगे कि क्यों बड़ी है चुनौती स्मृति ईरानी के लिए। देखिए, मैं शेष नारायण जी से आंशिक रूप से सहमत होने के बावजूद, आंशिक असहमति मेरी इस बात की है कि स्मृति ईरानी का वहां कम्युनिकेशन 36 बार गई है और जबकि राहुल गांधी उनका आधा बार भी नहीं गए, एक बात, और प्रियंका के भी दौरे पहले की तुलना में बहुत घटे हैं। और प्रियंका जो वादे करके जाती थी, बेटी लाइब्रेरी, मत बोलो यार, मैं पत्रकार के तौर पर बताता हूँ, मान रख लो आप पत्रकार, आराम से राजपूत जी, आपकी बारी आएगी, बोलिए। ईरानी 15 दिन गई है।